जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर जेसीओ कैटरिंग के बारे में, जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग के बारे में आज आपसे बात करूंगा। आने वाले समय में क्या है दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वहाँ ओपन होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी लेके आया हूँ जेसीओ कैटरिंग की, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग, ठीक है, अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसके अंडर आएंगे, एससी आर्मी सप्लाई कोर के अंडर आप आएंगे। एससी कोर के अंडर आपको एससी कोर में क्या है, आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। कौन से पद पर, नायब सूबेदार, यानी कि एक स्टार रैंक पर क्या है आपको नियुक्त किया जाएगा, नायब सूबेदार, ठीक है। आपकी उम्र, आपकी दोस्तों एज होनी चाहिए 21 से लेकर 27, ठीक है। उसके बाद आपका होगा एजुकेशन, एजुकेशन साथियों आपका जो है 10+2, ठीक है, इंटरमीडिएट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा साथियों कम से कम आपके पास एक साल का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ऊंचाई, आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर, आपका जो वेट है कम से कम 50 kg और आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर, प्लस उसमें क्या है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जब भी वैकेंसी आउट होगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद दोस्तों आपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा फिर होगा आपका फिजिकल, फिजिकल के अंदर वही जो भारतीय सेना में होता है, सॉरी 1600 मीटर का रन, 9 फीट डिच, जिग जैग और पुलअप, ठीक है, ये आपका फिजिकल हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिर आपका इसके मेडिकल, और मेडिकल मेडिकल के बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू भी होता है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम, एग्जाम जो आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका, तो उसमें दोस्तों आपका 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, 2 आवर्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी तक क्या है जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके आपके 0.525 नंबर काटा जाएगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, माइनस मार्किंग, ठीक है। आपका जो सिलेबस है, अभी बहुत सारे जो बच्चे उम्मीदवार हैं, अभी कई लोग जो जुड़े हुए हैं जो इसको भरना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो सिलेबस इसके लिए मैं कोई बुक वो कर रहा हूँ, अगर बुक जैसी मुझे मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को पक्का रेफर करूंगा। लेकिन जो इसका सिलेबस है दोस्तों, किसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपका कुकिंग मेथड हो गया, ठीक है ना, कुकिंग मेथड हो गया आपका, मेनू प्लानिंग हो गया, सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हाइजीन एंड सैनिटाइज, ठीक है, सैनिटाइजेशन ऑफ कुक हाउस, ठीक है ना, जो आपका कुक हाउस है उसका क्या करना है, आपने कैसे हाइजीन करते हैं, कैसे उसको सैनिटाइज करते हैं, ये आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। पर्सनल हाइजीन, ठीक है ना, जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सेफ्टी मेजर, ठीक है, सेफ्टी मेजर ऑफ LPG, ठीक है ना, ये जो गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं इनकी जो सेफ्टी वो होती है वो आपसे पूछी जाएंगी रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जो डिशेज होती है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। किचन इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट जो किचन की इक्विपमेंट है, एंड टाइप्स ऑफ चूल्हा, मतलब किचन से संबंधित जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है, वेस्टेज ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, ये सारी जो, इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका किचन से संबंधित जो आपसे होटल मैनेजमेंट में जो आपसे करवाया जाता है, जो आपसे सिखाया जाता है आपको, तो उसी से संबंधित क्या है आपसे पूरी चीज किसमें पूछी जाएंगी, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें पूछी जाएंगी, किससे, पूरा जो आपका HM से संबंधित है, ठीक है ना। मैं उसका एक, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो भी मैं आपको इसमें आई बटन पे दे दूंगा, एक पैटर्न जो एग्जाम का पैटर्न है वो मैंने बना रखा है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ी बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप इन सब चीज़ों में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, फिर आखिर में क्या होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू दोस्तों आपका कहाँ होगा, गया, ठीक है ना, गया में होगा आपका इंटरव्यू और बेंगलोर में, ये दोनों क्या है, एसी सेंटर है, आर्मी सप्लाई कोर, ठीक है ना, इसकी क्या है ये सेंटर है,
ट्रेनिंग सेंटर, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है आपका, दोनों में से एक जगह में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो ड्यूटी, अब बात करते हैं दोस्तों ड्यूटी की, आप भर्ती हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी ड्यूटी क्या ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना, जो एक जेसीओ कैटरिंग होता है क्या उसकी ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये एक स्टार रैंक है, ठीक है ना, एक स्टार रैंक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा। आपके क्या काम होगा, ये होते हैं जो बड़े बड़े मैस होते हैं, ऑफिसर मैस हो गए, ट्रेनिंग अकेडमी होगी बड़ी बड़ी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी होगी, ठीक है ना, ऑफिसर मैस हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे क्या है इनको सुपरवाइजर, एज अ सुपरविजन, इनका काम क्या है, सुपरविजन करना, देख रेख करना, जो मैस है बड़ी बड़ी, जो मैस हैं ऑफिसर मैस हैं दिल्ली के अंदर, अल्फा मैस है, या फिर IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी ट्रेनिंग जो मैस है, NDA OTA, ठीक है ना, अल्फा मैस हो गई, NDA ऑफिसर मैस है, फिर IMA ऑफिसर मैस, ठीक है, OTA ऑफिसर जो ट्रेनिंग मैस है, ठीक है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी अधिकारियों की जो मैस होती है, वहाँ पे जो मेनू प्लानिंग होना है, जो मैस की सफाई वगैरह, मेनू प्लानिंग करना, खाने का व्यवस्थित करना, सुपरविजन करना, एक तरीके से आपने क्या है, एक सुपरविजन करना है, ठीक है ना, ये क्या क्या काम होता है, जेसीओ कैटरिंग का सुपरविजन करते हैं सिर्फ, ठीक है ना, पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, इनकी होती है सुपरविजन करने की, एक तरह से सुपरविजन सुपरवाइजर, ठीक है ना, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, सुपरविजन करना है, ये इनका काम होता है, ठीक है। बाकी आपको पूरी फैसिलिटी वही लागू है जो कि एक सैनिक को लागू होती है, एक और जेसीओ को लागू होती है, वर्दी से लेकर पेंशन से लेकर आपकी पेमेंट से लेकर सुविधाएं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सारी आपको ऑथराइज हैं, ठीक है। प्रमोशन आपका दोस्तों, सबसे पहले आप नायब सूबेदार के पद पे भर्ती होंगे ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद फिर आप सूबेदार, ठीक है, उसके बाद आप फिर सूबेदार मेजर, ठीक है, सूबेदार मेजर के बाद दोस्तों आप ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी लेफ्टिनेंट, और उसके बाद आप ऑनररी कप्तान, ठीक है, ऑनररी कप्तान, ये होगा आपका प्रमोशन का चक्र। सबसे पहले भर्ती होंगे आप नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कप्तान, ठीक है, ये आपका हो गया प्रमोशन, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी अभी उम्मीदवार हैं जो कि जेसीओ कैटरिंग की भर्ती का वेट कर रहे हैं, आने वाले समय में एक दो महीने के अंदर हो सकता है कि इसकी भर्ती आउट हो जाए, और सभी अपनी तैयारी कर लें। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं, जो आपकी इंग्लिश है, ठीक है ना, आपकी जो इंग्लिश है उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो आपका पेपर होगा, वो आपका किस में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। पेपर किस में होगा आपका, जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, कौन सी भाषा में होगा, इंग्लिश में होगा पूरा, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा, आपका इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए पूरी, तभी आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तभी क्या आप इसको पास कर सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार वगैरह हैं, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, पहाड़ नहीं, जिसको आप कर नहीं सकते। अगर अभी जो उम्मीदवार इसको करने की सोच रहा है, तो कहीं क्या है, मैं आपको सलाह दूंगा, कहीं आप इंग्लिश की क्या है कोचिंग वगैरह जरूर लें, ताकि क्या है आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी बेटर हो जाए। आप वहाँ पे जाएं तो आपको तभी आप करेंगे जब आपको इंग्लिश आती हो, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में थोड़ी अच्छी पकड़ बना लें, ठीक है ना, जो भी उम्मीदवार क्या है इसके लिए इच्छुक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर जेसीओ कैटरिंग के बारे में जानकारी दी, और जो भी उम्मीदवार इसको भरना चाहता है, इसके लिए तैयारी करना चाहता है, उनके साथ ही हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दें, आने वाले 2 या 3 महीने में इसकी भर्ती आपको ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चलो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।